जिस तरह से हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 साल से चलाई जा रही दिल्ली नगर निगम की अलग अलग भ्रष्टाचारों की गाथा आपको हर प्रेस वार्ता में बताते हैं, आज एक और बड़े भ्रष्टाचार की सबूतों के साथ ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन पहले भाजपा के काउंसलर संजय ठाकुर के बारे में जालसाजी की, फर्जीवाड़े की, कब्जा की जो कंप्लेंट्स हमने दिखाई थी और जो वीडियो हमने दिखाई थी, भाजपा ने ना तो उसके ऊपर अपना कोई रिस्पांस दिया। पत्रकारों ने जब आदेश गुप्ता से रिस्पांस मांगा तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया और अभी तक संजय ठाकुर के ऊपर भाजपा ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। वो अभी भी भाजपा के पार्षद है, अभी भी भाजपा के सदस्य है। 2010 के अंदर एक कंपनी के बारे में जांच की गई, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी थी जिसके पास करोड़ों के ठेके दिल्ली नगर निगम के थे और उस जांच में पता चला कि यह कंपनी सरकार से तो पूरे पैसे लेती है मगर आगे सुरक्षा कर्मियों को पैसे नहीं देती है। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां पाई गई और इस कंपनी को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया। इसके बाद ये कंपनी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने इसकी बात नहीं सुनी, इसके ऊपर ही जुर्माना लगा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी बात नहीं सुनी गई और इस कंपनी ने एक फर्जी स्टिंग किया एमसीडी का, जो कि पता चला कि वो जो स्टिंग था, जो वीडियो थी, वो भी फर्जी थी, डॉक्टर्ड थी। लिहाजा इस कंपनी को एमसीडी ने ब्लैकलिस्ट किया था। ये अखबार के अंदर कई बार ये खबर छपी थी, फर्जी स्टिंग करने वाली वाले को काली सूची में डाला, निजी सुरक्षा एजेंसी ब्लैकलिस्टेड, सुरक्षा ठेकों को लेकर फर्जी शिकायत करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी को दिल्ली नगर निगम ने काली सूची में डाला। ये 2010 की खबरें हैं और इस कंपनी का नाम है वेल प्रोटेक्ट मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ये तब के कमिश्नर के अंदर जो आते हैं डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की ऑर्डर की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट, 9/7/2010 का ये ऑर्डर है जिसके अंदर बताया जाता है कमिश्नर एमसीडी वाइड लेटर सो एंड सो फॉरवर्डेड ऑडियो सीडी अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्ट टू द विजिलेंस डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वाज प्लेस्ड बिफोर द कमिश्नर एमसीडी। The Commissioner MCD wrote its order 10/6/2010 has blacklisted the security agency name Well Protect Manpower Services Private Limited. It is therefore requested that necessary actions as per the orders of the Commissioner be taken. अब blacklisted company करने का क्या मतलब होता है? काली सूची में डालने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी को ना सिर्फ दिल्ली नगर निगम में बल्कि पूरे देश में किसी भी सरकारी संस्था के अंदर कोई काम नहीं मिलेगा। ये कंपनी इतनी घटिया है, इतनी नालायक है, इतनी बेकार है, इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म है कि इसको काम नहीं दिया जा सकता। सरकारी ठेकेदार पूरी नहीं दे रहा था पगार, इस कारण जो है इनको इनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं कि उसी नगर निगम ने, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मार्च में इसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया है। इनको 28,279 रुपए पर पर्सन पर मंथ फॉर 240 सिक्योरिटी गार्ड्स, मतलब 240 सिक्योरिटी गार्ड इनसे लिए जाएंगे
हर महीने हर व्यक्ति की पगार 28,279 रुपए और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में 30,874 रुपए प्रति पर्सन प्रति माह की तरफ से 19 लोग लिए जाएंगे, जो करीब करीब 75 लाख रुपए महीना बनता है, और अगर आप साल का ले लें तो 1 करोड़ रुपया बनता है। तो एमसीडी ने इसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया है। तो हमारा दिल्ली नगर निगम के भाजपा के नेताओं से सीधा सवाल है और आदेश गुप्ता जी से सीधा सवाल है, एक कंपनी जिसको आप ही की नगर निगम ने ब्लैकलिस्ट किया, उस कंपनी को आप ही के नगर निगम में कैसे ठेका मिल सकता है? ऐसा कैसा संभव है कि आपके और नगर निगम के अधिकारी ये भूल गए हों कि इसी कंपनी ने आप ही के नगर निगम के खिलाफ शिकायत करके, आप ही का एक झूठा स्टिंग करके, आप ही का अक्सर अफसर निलंबित कराया था। उसके बाद ये कंपनी हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी इसको राहत नहीं मिली और उसको आपके कमिश्नर ने ब्लैकलिस्ट किया, दुनिया भर के अखबारों के अंदर इसके बारे में छपा। तो ये कैसे संभव है कि ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को करोड़ों रुपए के ठेके दिल्ली नगर निगम ने दिए? तो हमारा ये सवाल सीधा सीधा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से है कि आपने संजय ठाकुर को अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला, इसका जवाब दें, और इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे ठेका मिल गया, इसका जवाब दें। धन्यवाद। ये जो कागज आपको दे रहे हैं ये हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो आप इनको यूज कर सकते हैं।